इडियट बाइक का फिल्म में ब्रिटिश पर चोरी मोटर बाइक पर 200 मील प्रति घंटे की व्हीलियां खींच रही हैं। हेक्नॉल नॉर्थ से 26 वर्षीय एडम कैंपिया सड़क के गलत पक्ष पर एक चोरी मोटर बाइक की सवारी देख रहे थे। एक बाइकर जिसने खुद को चोरी की मोटर बाइक पर लगभग 200 मील प्रति घंटे की व्हीलियां खींचकर 21 महीने तक जेल भेजा है। 26 वर्षीय एडम कैंपियन सड़क के गलत पक्ष पर 89 मील प्रति घंटे की सवारी कर रहे थे। माना जाता है कि ब्रिटिश सड़कों पर मोटरबाइक द्वारा देखी जाने वाली उच्चतम गति माना जाता है। हॉट स्टॉपिंग फुटेज से उन्हें यातायात में बुनाई के दौरान ब्रिटिश सड़कों पर चोट लगती है। पुलिस ने कैंपिंग के पते पर वारंट निष्पादित करने के दौरान हानिकारक फुटेज की खोज की ओर सितंबर 2016 में अपने को पुनः प्राप्त कर लिया। अधिकारियों को पहले एक त्याग वाली कार के बूट में लाइसेंस प्लेट मिला था जो कैंपियन से जुड़ी एक चोरी मोटरबाइक से जुड़ा हुआ था। हेक्नॉल नोड्स के कैंपिंग को खतरनाक ड्राइविंग के 5 मामलों को स्वीकार करने के बाद बुधवार को नॉटिंघम क्राउन कोर्ट में जेल भेजा गया था। उन्होंने चुराए गए सामानों के प्रतिधारण में अपराधी की सहायता करने के लिए दोषी ठहराया। अदालत को बताया गया कि कैसे कैंपियन के को जब्त कर लिया गया था, जिसमें लोगों के सैकड़ों वीडियो और छवियां शामिल थी। ने फोरेंसिक चेहरे की पहचान का उपयोग किया, जिसने कैंपियन को सवार के रूप में पहचाना। उसके बावजूद एक क्रैश हेलमेट पहनने के बावजूद वीडियो में से एक दिखाता है कि कैंपियन एक हाथ चलाकर और अपने मोबाइल फोन को दूसरी तरफ रखता है, जबकि उसकी गति को वीडियो करते हुए 89 मील प्रति घंटे तक पहुंच गया। अन्य लोगों ने उन्हें लाल रोशनी के माध्यम से ड्राइविंग, सड़क के गलत पक्ष पर ड्राइविंग, व्हीलियों को खींचने और यातायात में और बाहर की गति में शामिल किया। नॉटिंघम पुलिस के इंस्पेक्टर ग्लेन लॉन्डन ने मामले के बाद कहा, लोगों का अवैध और खतरनाक उपयोग हमारे समुदायों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और हालांकि यह जांच बेहद जटिल और समय लेने वाली थी, परिणाम स्वरूप अदालत में संतोषजनक रहा है। मुझे उम्मीद है यह जेल की सजा उन लोगों को बनाती है जो सोचते हैं कि खतरनाक रूप से 2 बार सोचकर खतरे में खुद को और दूसरों को खतरे में डाल देना स्वीकार्य है। वे कानून से ऊपर नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना समय लगता है, हम उन्हें न्याय में लाएंगे। वीडियो में देखे गए अन्य अपराधियों की पहचान करने के लिए पूछताछ चल रही है, और किसी भी जानकारी वाले किसी को 101 पर पुलिस को फोन करने के लिए कहा जाता है।